अरे लाइट देख लो, आपने अभी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी? नहीं नहीं कलर देख लो, चलो जी चलो बोल दो, लुक देख पेंडी मंदी का तो कुछ फर्स्ट सीजन में ब्रेक लेग में जीतने आया था, आज मुझे लग रहा है कि मैं हारूंगा क्योंकि नुसरत की तैयारी बहुत है। नहीं नेचुरल हूं एक्चुअली गाइस, बट शी इज अ रियली गुड डांसर। ये दोनों किल कर रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि ब्रेक लेग में जब मैंने सोचा था कि नॉन डांसर्स को बुलाऊंगी, मैंने गलती कर दी क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं। इनके लिए मुझे सोचना पड़ रहा है कि और मैं कैसे डिफिकल्ट स्टेप्स बनाऊं। दे आर किलिंग इट एंड आई थिंक दे शुड बी इन अ डांस मूवी नेक्स्ट। ओए होए होए वाह क्या टू मच टू मच। शक्ति मैम पहले तो ये जानना चाहिए, सॉरी व्हाट सर, कितनी स्ट्रिक्ट थी, कितने स्ट्रिक्ट थी शक्ति मैम? ये शक्ति वैसी स्ट्रिक्ट है यार, देखो ऐसा है, जिनका नाम शक्ति होता है ना वो काफी ज्यादा विनम्र स्वभाव के होते हैं। सो या बट शी इज ऑलवेज बीन वेरी वेरी वार्म। आई थिंक वो मोहन सिस्टर्स की यूएसपी है कि बहुत ज्यादा वार्म एंड हैप्पी एंड चर्पी ऑल द टाइम। सो या आई थिंक एंड जो हम अभी मस्ती भी कर रहे थे अंदर, वो चर्पीनेस निकल के आ रही थी। क्यों नहीं, बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं थी, मतलब मुझे ऐसे लगा, मैंने बोल दिया तो मैंने कहा मेरे को अगर स्टेप नहीं आया तो आप चेंज कर दोगे, तो बहुत प्यार से सर हाँ ये तो कभी किसी ने नहीं बोला लेकिन दोनों ही ऐसा डांस कर रहे हैं कि मतलब आई जस्ट कांट वेट फॉर यू गाइस टू सी इट, दे आर किलिंग इट। नॉट टू मच प्रेशर गाइस, नहीं सीरियसली लेट्स गो रिहर्स। फर्स्ट सीजन पे कैसा रिस्पांस था कि आपके, लाइक ऑब्वियसली थॉट ऑफ द सेकंड सीजन बिकॉज़ ऑफ द गुड रिस्पांस, सो हाउ व्हाट वाज द रिस्पांस दैट यू गॉट? आई थिंक फॉर मी टू मेक अ शो आउटसाइड और थिंकिंग to make a dance show outside of television and movie space is definitely something I wanted to do. Aur of course bahut challenges hain to produce, par jab when you have such people in your life who are just a call away and seriously just a call away, I'm really really grateful and I'm happy that I'm able to create content like this jahan itni masti hai and this is something that nobody in the world has done before, ki jahan par do celebrities aate hain, they try to learn, kitne log bahut inhibitions mein hote hain ki yaar hame dance nahi aata hum nahi karenge, but everybody who's coming on the season and has come on season 1 has been a sport and this is something that is making entire dance fraternity very happy ki that people are really contributing to making dance. So pehli baat to main is baat se bahut happy to support you really and really. Main to is baat se mind kar gayi ki just a call away message away message away bhi nahi, lamba aise matlab aankh ka ishara hota to main shakti ke liye aaya tha, and you know what, it's not because you know that she's a friend, it's also because that her journey really inspires me. I think maine teenon sisters ki journey dekhi hai ki kis tarike se you know they have they've had a really good graph in their career and bahut I think ek kisi aur shehar se aake Mumbai shift hona kafi mushkil rehta hai wo sab karna. Shakti, I love you and a show like this, I mean yeah, doing yeah, it on your yeah. own, mujhe sach mein lagta hai ki anybody who wants to do something khud ka alag naya, you will obviously need all the support you can get and yeah. why not, I mean hum apne hi logo ko nahi support karenge industry mein to kisko karenge, matlab how can I expect yes, support in return if I don't do it right? So more than happy babe, more than happy. Thank you. आयुष्मान खुराना और हाँ जी वो ये तो मैं देखना चाहती हूँ। ओह ये तो ऑडियंस डिसाइड करेगी, हमें तो सब हमारे सारे दोस्त हैं, ये भी क्वेश्चन है, गलत लगा रहे हो, बट इट्स ओके, यू कैन से व्हाटएवर। देखो ये पूरी फैमिली है ठीक है, तो इसमें कौन अच्छा कोई ऐसा है ही नहीं,
सबसे सबके साथ काम करके बहुत मज़ा आ रहा है. एंड द थिंग इज़ दैट दे आर कमिंग हियर एंड ट्राइंग समथिंग न्यू, यही बहुत बड़ी बात है. और मज़े तो ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है उनको किसके साथ मज़ा आता है. मैंने तो इन लोगों के साथ इतनी मस्ती करी है, मतलब आई एम रियली रियली सरप्राइज दैट दीस टू आर सच अमेजिंग डांसर्स. आपको एक्चुअली दोनों एपिसोड देखने पड़ेंगे टू डिसाइड. इसके अलावा कोई जो लिस्ट है जो जिसको आप बुलाना चाहे ऑन द ब्रेकर लाइक. हां हमारे प्रोड्यूसर साहब यहीं पर ही खड़े हैं. सो शी स्टार्ट कॉलिंग मी प्रोड्यूसर साहब. मैं बताती हूँ अपारशक्ति की हिस्ट्री बताती हूँ. लास्ट ईयर मैं इनसे मिलने गई कि अपारशक्ति मैंने ब्रेकर लेग स्टार्ट करना. अरे क्यों कर रहे हो आप आराम से अपने शोज वोज करते रहो, प्रोड्यूस करना कितना झंझट है. वो इन जेन्युइनली इज टेलिंग. मैंने कहा पारी मुझे करना है यार, मेरे को एक्साइटमेंट होती है. एंड जैसे मैंने अपना स्टूडियो भी स्टार्ट किया आई रियली फील मोटिवेटेड. तो इन्होंने तब से लेके आज तक किस किस को बुलाना है, किसको फ़ोन करना है, शक्ति इसको बुलाओ, नुसरत को भी मैं बुलाऊंगा. एंड मैं तब से इनको प्रोड्यूसर साहब बोलने लगी हूँ क्योंकि लिटरली लाइक अपार शक्ति, ये मुझे नृत्य शक्ति हटा के अपार शक्ति अपार शक्ति स्टूडियो है ये, क्योंकि पारी की बहुत मतलब एंडलेस है. मैं बोला किसी बोला कॉल अवे, मैं तो माइंड कर गया इस बात से कॉल अवे का मतलब क्या है. आपका इशारा बहुत है शक्ति का. सो या इमोशनल कैरेक्टर. हमेशा मैंने ज्यादा कॉमिक टाइमिंग वाले यू नो कैरेक्टर किए. एंड वियर्ड बात यह जब मैं थिएटर कर रहा था सारे डार्क चीजें सारी इंटेंस चीजें मेरे पास आ रही थी, और जब मैंने जब से फिल्म्स करनी स्टार्ट की है सारा सब कुछ कॉमिक में आ रहा था. सो आफ्टर रियली लॉन्ग टाइम डूइंग समथिंग व्हिच यू नो इमोशनली कनेक्ट्स द ऑडियंस, आई थिंक बहुत मजा आया वो करने में. ओके, इसके अलावा आपकी हेलमेट मूवी है भी अभी आपकी जो डेब्यू एज अ लीड. सो इतने टाइम बाद हमने आयुष जी से भी बात की थी, उन्होंने कहा था कि बहुत टाइम लग गया बट अपार जी को ये मिलना ही था. यार आई थिंक ये सिर्फ विशेज हैं आसपास फ्रेंड्स की, फैमिली की, ऑडियंस की, दैट ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग. हेलमेट कनेक्ट होएगी तो उसके बाद ये क्वेश्चन ज़्यादा सुनने में मज़ा आएगा कि लीड में क्या हो रहा है क्या नहीं. बिकॉज अदरवाइज क्या होता है, इफ हेलमेट कनेक्ट्स विद द ऑडियंस पीपल विल बी लाइक ओके अपार ने पेशेंस दिखाई. अगर नहीं करेंगे कनेक्ट पीपल विल बी लाइक यार जल्दबाजी कर दी अभी एक दो फिल्म में और शायद इनको सपोर्टिंग रोल में करनी चाहिए थी. सो इट्स ऑल वेरी सिचुएशनल. सो बट हैविंग सेड दैट आई हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग हेलमेट. एंड जो भी मैंने अभी तक उसका देखा है सुना है टच वुड इट्स ऑल गोइंग ग्रेट. ओके निशंदन, ऑन अदर एंड आपकी भी प्रो पोस्टर आ चुकी है छलांग की, बहुत ही अच्छा अप्रिशिएट किया जो पहले दुरम खान नाम था चेंज हो चुका है. सो कैसे रिस्पांस मिले फॉर द पोस्टर? यार पोस्टर तो अभी जस्ट निकला है एंड एवरीबॉडी इज रियली एक्साइटेड टू सी के होने क्या वाला है, रात सो क्यों रहा है और हम क्या कर रहे हैं फिल्म में. बट ट्रेलर आ जाएगा जल्द तो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट मोर देन द फैक्ट कि ट्रेलर आ रहा है और फिल्म आ रही 13 मार्च को. मैंने प्लग इन कर दिया गाइस, 13 मार्च को फिल्म देखने आ जाना. बाय, लव यू, बाय. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट.